जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला में केंद्र सरकार की अनदेखी के खिलाफ करीब 1500 मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने गांधी चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से अपनी मांगों का डिमांड चार्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा। हड़ताली वर्कर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और नियमित करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर कर्मियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए मजदूर संगठन सिट्टू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन ने एक दिन की हड़ताल कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की जिला कांगड़ा की अध्यक्ष श्रेष्ठा देवी ने बताया कि बीते 9 वर्षों से उन्हें केवल 1000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। महंगाई कई गुना बढ़ने के बावजूद मिड डे मील वर्कर्स को राहत देने के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि मिड डे मील वर्कर्स को प्रति माह 6300 रुपए वेतन दिया जाए। 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार वर्कर्स को पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों के वेतन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। भाजपा ने चुनाव से पहले महिलाओं को सम्मानजनक वेतन देने की बात कही थी लेकिन 3.5 साल के कार्यकाल के बाद भी वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को जल्द नहीं मानती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की जो अखिल भारतीय यूनियन है उसकी कॉल पर आज जो एक स्ट्राइक की गई, यहाँ पे प्रदर्शन किया गया यहाँ पे हिमाचल में। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है कि हमें जो है न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, रेगुलर किया जाए, उसके साथ ही जो है वो प्री स्कूल नर्सरी में जो चलाई जा रही है क्लासेस उनको बंद किया जाए। और उसके साथ ही हमारी आंगनवाड़ी के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला कर रही है गवर्नमेंट। और वो हमला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि बेनिफिशियरियों का पैसा जो है वो उनके खातों डालने की परमिशन दी जाए। तो हम नहीं चाहते हैं कि परमिशन दी जाए, क्योंकि अगर वो परमिशन दे दी गई तो आंगनवाड़ी वर्कर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। और इसी तरह से हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं जो यहां से आज रिटायर होकर जा रही है उनको कोई ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है। तो हमारी मुख्य मांग ये भी है कि जो भी आज 30-35 साल यहां पर अपना सेवा काल दे करके यहां से निवृत्त होकर जा रही है तो उनको जो है वो खाली हाथ घर को जाना पड़ रहा है, तो उनको जो है वो ग्रेजुएटी दी जाए। और उसके साथ ही रिटायर होने पर जो है वो पेंशन भी दी जाए हमें। ये हमारी सब जो है वो मुख्य मांगे है। और अगर ये हमारा एक सांकेतिक हड़ताल है आज, अगर इसमें हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले टाइम में है जो है वो हम मोदी सरकार के अगेंस्ट जो है वो हम लोग जो है वो सड़कों पे उतरने वाले हैं और हम जो है वो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। ये तो हमारी सरकार से यही रहेगी कि हमारी इस हड़ताल की हमारी मांगों को देखते हुए हमारी सारी मांगे जो पूरी की जाए और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है एज ए आंगनवाड़ी वर्कर्स, हम लोग पिछले 35-35, 40-40 सालों से आज सेवाएं दे रहे हैं लेकिन हमें आज भी जो है वो अपना चूल्हा चौका चलाने के लिए जो है वो अपने घर की तरफ देखना पड़ता है। आज 4500 या 2100 रुपए में जो वो परिवार नहीं चलता है। तो हमारी मांग है कि हमारे जो है वो न्यूनतम मांग मेन जो है न्यूनतम वेतन जो है वो लागू किया जाए। यही हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। धन्यवाद जी। मैडम आपका नाम? मेरा नाम श्रेष्ठा है और मैं जिला प्रधान, जिला कांगड़ा की प्रधान हूँ मैं।